बहुत ठंड है, कुछ ज्यादा ही ठंड है। ये रखो। हाँ। हवा बहुत तेज है। हाँ। तुम चादर हाँ। ओढ़ के सो वरना तुम्हें सर्दी हाँ। लग जाएगी। हाँ। क्या मैं 2 मिनट के लिए बैठ सकता हूँ प्लीज? हाँ बैठिए ना, मैं सो जाती हूँ। स्टार्स कितने ब्राइट लग रहे हैं ना, शहर से दूर। हाँ, I love it. मेरा मतलब है, I love it. सनम, ये जो हमारी पार्टनरशिप है, तुम्हें लगता है ये काम करेगी? क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, तुमने कहा था ना कि हम एक साथ नहीं रहेंगे, तो अगर तुम्हारे तुम्हारे मन में अगर कोई बात है तो बता दो, मैं ऑफेंड फील नहीं करूंगा। क्या मतलब है आपका? तुम्हारे मन में फीलिंग्स है मेरे बारे में कुछ? नहीं, मेरे मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, एकदम जीरो, कुछ भी नहीं है। कुछ भी मत बोलिए। कुछ भी नहीं, जीरो फीलिंग्स? हाँ हाँ, मेरा मतलब मैं अंदर से काम हूँ, पार्टनर्स, सॉरी बिजनेस पार्टनर्स, तो अच्छी बात है ना। और हम दोनों की पार्टनरशिप से मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? Are you sure? आप नहीं हो? आई मीन पार्टनरशिप को लेकर मैंने कहा ना, मेरे मन में अब आपके लिए वैसी वाली फीलिंग्स नहीं है, पर क्या आपके मेरे मन में वैसी वाली फीलिंग्स है? क्योंकि मैं तो सिंगल रहकर बहुत काम हूँ और पीसफुल फील कर रही हूँ, एंड आई एम श्योर कि आपको भी सिंगल लाइफ बहुत अच्छी लग रही होगी, फ्री लग रहा होगा ना। आई एम श्योर कि आपके मन में भी कोई फीलिंग्स नहीं होगी, अगर होंगी तो बता दो। नहीं, मेरे मन में नहीं है ऐसी कोई भी फीलिंग्स। ओके देन, पार्टनर। पार्टनर, गुड नाइट। गुड नाइट पार्टनर। अब थोड़ी कोई फीलिंग रहेगी, अगर होगी तो बता देना। मैंने इन लोगों से कहा था फॉर्मूला डबल चेक करना, अब इनकी वजह से सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, कोई काम नहीं आता इन्हें। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप बुक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, मुझे बस गुस्सा आ रहा है इन पर। अरे नहीं नहीं, मुझे गुस्से में भी तुम बहुत पसंद आती हो। अब ये साइड में रखो और बताओ कल हम बाहर चलें। हनी, मुझे मेरा काम खत्म करना है, याद है ना? मैं जब एजेंसी में थी तब भी मुझे इतना ही काम करना होता था। मुझे अच्छे से याद है, तुम ऐसे टक 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 काम किया करती थी और कहती थी मिस्टर एमरी काम पूरा हो गया, और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता था तुमसे। वैसे आपने जो मुझसे काम करवाया था उसके बदले में मुझे किसेस चाहिए। कितनी? 100। बहुत ठंड है, कुछ ज्यादा ही ठंड है। ये रखो। हाँ। हवा बहुत तेज है। हाँ हाँ। तुम चादर ओढ़ के सो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है या ऐसा कुछ भी, यू नो, जो तुम्हें मेरी याद दिलाता है? नहीं, मेरे मन में तो कोई फीलिंग नहीं है, एकदम जीरो, जीरो फीलिंग्स। आप कुछ भी मत बोलिए।
हाँ भाई, कैसे हो? ठीक हूँ। और तुम, तुम्हारा नया काम कैसे चल रहा है? ठीक ही है, मुझे काज पसंद है तो मैं कर पा रहा हूँ। एमरे, are you sure तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए? मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं तुम्हें अच्छी जॉब दिलवा सकता हूँ यार। भाई थैंक यू सो मच, पर मेरी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा क्या करना है। और अगर कोई टेंशन की बात हुई या मुझे हेल्प चाहिए तो मैं खुद ही तुम्हें फोन करके तुमसे हेल्प मांग लूंगा। एनी टाइम ब्रो। अच्छा ये बताओ, वो सिगरेट के इशू का क्या हुआ? hey, वो बहुत चालाक है एमरे, यहाँ आता जाता रहता है। सनम को जल्दी उसकी असलियत पता चल जाएगी। मैं बस डिटेक्टिव से किसी सबूत का वेट कर रहा हूँ, फिर जाकर उस समय बात करूंगा। मानना पड़ेगा तुम बहुत बदल गए हो। तुम भी। हनी। यार इंसान को बदल देता है भाई। हनी। चलो मैं रखता हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? माय डियर हस्बैंड। मेरी डार्लिंग। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही गॉर्जियस लग रही हो तुम। इतनी की आज लीव एप्लीकेशन डालने का मन कर तो ले लो ना, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे आज। ऐसे करोगे तो ऑफिस में मेरा मन कैसे लगेगा? खाना तैयार है, बाहर आ जाओ। ठीक है, हम रोमांस करें और कोई बीच में टांग ना आए, ऐसा हो सकता है कभी? चलो चलते हैं लाला। सनीम, उठो सनीम। हेलो सनीम, क्या हुआ? लगता है रात भर सोई नहीं तुम। हाँ चलो उठो जल्दी। चलो एक काम करते हैं ना, शूज निकाल कर हम नंगे पांव घास पर चलते हैं, उससे ना हमें एनर्जी मिलेगी, यू नो कॉस्मिक एनर्जी। और ऐसे पहले स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, जल्दी आओ ना सनीम। एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। आ जाओ आराम से उतरना। हाँ बैंडेड, अरे अरे मेरी जूती, अरे मेरी जूती लेकर कहाँ भाग रहे हो? ओह बैंडेड रुक जाओ, ना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अरे यार मेरी जूती लेकर भाग गया। आज का मौसम कितना सुहाना है ना जेजे, मुझ में एक अलग सा जोश है आज, फुल ऑफ एनर्जी हूँ मैं भाई। इतनी एनर्जी के मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वो एनर्जी वेस्ट कहाँ करूँ। शैतान कहीं के, मेरा जूता वापस करो। बैंडेड रुको रुको, आराम से रुको। मेरा जूता ले लिया इसने, पूरा कपड़ा खराब कर देगा। रिलैक्स, एक मिनट, गुड बॉय गुड बॉय। जेजे तुम्हें बोल रहा था कि बैंडेड तुम क्या बहुत स्मार्ट कुत्ते हो क्या? क्या कुत्ता है बस। हाँ हाँ तुम कॉफी पियो, हम तो है ही ना यहाँ पर तुम्हारे नौकर काम करने के लिए, हजम नहीं होगी तुम्हें तुम्हारी कॉफी। अकेले अकेले कॉफी पीने जा रहे हो यार, हद होती है, उफ ये गलत बात है। ओह गुड बॉय गुड बॉय, थैंक यू सो मच मेरा जूता वापस लौटाने के लिए। तुम मुझसे गुड बॉय क्यों कह रही हो? मैंने जूता उसके मुंह से ऐसे खींच के निकाला है, समझी? ठीक है तो वेल डन बोथ ऑफ यू। ओके आज तो इसने मेरी सारी एक्सरसाइज करवा ली। मैं एक बात कहूँ तुमसे, इसका नाम बदल देना चाहिए, ये बैंडेड कैसा नाम है? हाँ? किसने रखा है ये बकवास नाम? मैंने रखा है इसका नाम। अगर तुम अपने डॉग का नाम बैंडेड रखोगी तो वैसे आवारा कुत्तों की तरह ही बिहेव करेगा ना, बैंडेड का मतलब होता है आवारा। तुम्हारी गलती सारी, इस बेचारे की कोई गलती नहीं है, इसका कोई अच्छा नाम रख दो ना सुनकर, मैं हेल्प कर सकता हूँ। अब कुछ भी मत कहो, कम ऑन बैंडेड चलो, हम इसे एक डॉग शेल्टर से लेकर आए हैं, समझे ना? और इसके नाम के पीछे हिस्ट्री है मुझो, ये आवारागिरी करता है क्योंकि इसे लगता है कि इसे हम अकेला छोड़ देंगे, और ऐसा नहीं है। बैंडेड से हम सब बहुत प्यार करते हैं, शायद तुम समझ ना पाओ, ये मुझो अंकल ना बिल्कुल पागल है। बैंडेड तुम चलो यहाँ से। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। चलो आराम से। मैं भी डॉग से बहुत प्यार करता हूँ सच में, इसने मुझे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। वैसे ये लड़की एकदम कड़क है, डिसिप्लिन्ड और फोकस, मजा आ गया। पर फिर भी मैं कहूंगा कि बैंडेड नाम बदल देना चाहिए, बहुत ही घटिया नाम है, पर मेरी सुनती का ही है, जो करना करे, मुझे क्या। ओह अरे बाप रे डैड। लैला वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही है, पता नहीं ये लड़की करती क्या होगी, खाती क्या होगी, क्या करती है। मां मुझे लगता है वो भूखे ही मर गई होगी, ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे, वो बेचारी। मार लो टॉन्ट, मैं चली जाऊंगी ना तब मेरी कद्र होगी। मॉम आप ऐसी बातें मत करिए। मॉम आप ऐसा क्यों करती हैं? सनीम अब बड़ी हो चुकी है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। मॉम आप दोनों अपनी लाइफ पर अब फोकस करिए ना, अपने इर्द गिर्द नजर घुमाइए, आपको कुछ इंटरेस्टिंग। अरे मेरे इर्द गिर्द क्या होता है, मैं उस पर फोकस क्यों करूं? मुझे नहीं देखना, नहीं करना कुछ, सब कुछ वैसा ही है। देखा जाए तो बहुत सारी चीजें बदली हैं। निहार छोड़ो, जाने दो, मैं ऊपर जाकर अपना काम खत्म करता हूँ। तुम्हारी मॉम को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी अपनी कोशिश करना बंद नहीं करूंगा मैं। चलो, चलो मैं अपना काम करने जाता हूँ। अच्छे से खाइए मिसेस मेविक बे, पेट भर के खाइए। आपकी कोई हेल्प?
नहीं बेटा, मैं कर लूंगा। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। डैड सही कह रहे हैं, आपको उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप उन्हें छोड़िए, आपने तो खुद की भी केयर करनी छोड़ दी है। मॉम आप मुझसे एक प्रॉमिस करिए, आज से आप उस फॉर्म पर ज्यादा नहीं जाएंगी, ठीक है मॉम? अपनी लाइफ एंजॉय करिए, थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालिए, जरा दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, बाहर जाइए, खाना खाइए, हेयर स्टाइल बनाइए। अच्छा। मेरा हेयर स्टाइल खराब है, कैसे बनाऊं, कटवा दूं क्या, क्या करूं मैं, बताओ? क्या ये स्टाइल अच्छा नहीं है, क्या मुझे चेंज कराना चाहिए? नहीं मॉम, लैला का वो मतलब नहीं था। लैला कह रही थी कि बस लुक चेंज कीजिए। मतलब मुझे हेयर स्टाइल चेंज करना चाहिए? हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। चलो लैला हम चलते हैं, मुझे देर हो रही है। हाँ मॉम, अब सनीम को छोड़ो, खुद पर फोकस करो। तुम्हें तो हमेशा मुझसे प्रॉब्लम है। मॉम मैं आपके भले के लिए। हाँ, तुम भी मुझे सिखाओगी। मेरा बस यही कहना था कि आप खुद का ख्याल रखिए, ठीक है? बेटा। डैड। देखो मुझे क्या मिला है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स तुम बचपन में बजाती थी, याद है ना, कैसे मोहल्ले में लेकर घूमती रहती थी ये सब? हा? डैड आपने इसे अब तक संभाल कर रखा? हाँ, है मेरी बच्ची के खिलौने। ये किसी को मत देना और फेंकना भी मत, मैं एक दिन इसे फिर से बजाऊंगी, ये बहुत अच्छा है। हमारे पोते पोतियों के लिए बजाना। हाँ डैड क्यों नहीं। कसम से डैड बहुत ही प्यारे हैं। मैं इन्हें थोड़ा साफ कर देती हूँ। जाओ जाओ अच्छे से रहो। यहाँ ये एम्ब्रे। गुड बाय। कितने प्यारे लग रहे हो। खुद को ही नहीं पता कि वो कितना क्यूट लग रहा है, कितना स्वीट। सुनो जे जे, तुमने अब तक अपनी कॉफी खत्म नहीं की? भाई ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? किसी ने तुम्हारा पर्स मार लिया क्या? कुछ तो बोलो। ग्लासेस को उतार के देखते हैं क्या हुआ। एक मिनट। जे जे, ओ मिस डेरिन, कितनी प्यारी लग रही हैं। मुझे कुछ कुछ हुआ, कुछ कुछ हुआ है मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये शाइनी लेडी आ गई है, हम काम स्टार्ट करें। शाइनी लेडी, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही है, एकदम शाइनिंग स्टार की तरह, मतलब एकदम परी की तरह। बुलुत के कहने का यही मतलब था, लड़कों को तो कॉम्प्लीमेंट्स देना आता ही नहीं, आपको तो पता है। हाँ ये लड़के तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। सनम, वैसे इस लुक का कॉम्प्लीमेंट तुम्हें मिलना चाहिए। कल रात मैं तुम्हारी दी हुई क्रीम लगाकर सोई थी और सुबह देखा तो मेरी स्किन एकदम बेबी जैसी सॉफ्ट हो गई। ये प्रोडक्ट परफेक्ट है, आई एम सो एक्साइटेड। मेरे पास इसके लॉन्च के लिए काफी आइडियाज हैं। जान कहाँ है? कहाँ है? हाँ मिस्टर जान भी आ रहे हैं। हाँ कितने हैंडसम लग रहे हैं, एक्सट्रीमली हैंडसम। जालिम। हटो। क्या हुआ? हटो यहाँ से। हटो। कहाँ गया वो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। सनम नहीं, क्या तुम प्लीज शट अप। हटो हटो। एक टीम होने के नाते हमारी आज हाई एनर्जी है, हम अब काम करने के लिए तैयार है। सनम क्या तुम प्लीज। सनम उनको संभालो। क्या वो घर पर है? सनम क्या तुम ठीक हो? व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ अपने दोस्त को देखने आई थी पर लगता नहीं कि वो यहाँ होगा। मैं कुछ और भी देखने आई थी। क्या? हाँ मैं घर जाकर आती हूँ, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगी। लेकिन सनम उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तो दोस्तों चलो हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये स्टेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वो नेकलेस कहाँ है? यहाँ नहीं है, कहाँ गया? शायद वहाँ होगा।
नहीं सनम, याद करने की कोशिश करो। तुम सुबह जल्दी उठी, फिर तुमने अपने कपड़े बदले। नहीं, तुमने ऐसा तो नहीं किया था, तुमने तो अपना चेहरा तक नहीं धोया है। फिर वो कहाँ गया? सोचो सोचो सनम, कहाँ गया वो, सोचो। कल रात हमने सेलिब्रेशन किया था और उसके बाद मैं हमक पे सो गई थी, पर मैंने वहाँ तो नहीं रखा था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहाँ रखा था, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें पहले अच्छा ब्रांड नेम ढूंढना होगा और उसके बाद होगी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। हमें ऐसा करना होगा। ठीक है जान, तुम्हें मिल सकता है। जान सुनो, पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, लगता है उनके कानपुर में हड़ताल हो गई है। जान, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? अच्छा ठीक है, हमें पहले ब्रांड नेम ढूंढना ही होगा, हमारी स्ट्रेटेजी उस पर भी निर्भर करती है। सनम, सनम जल्दी आओ, हमें गुस्सा मत दिलाओ। मिस डेलिन, इतना चिल्लाओ मत। लेकिन अब ये मेरे पेशेंस के बाहर हो रहा है। मैं चिल्लाना नहीं चाहती थी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा करने पर मजबूर किया। ठीक है, अब हम सांस अंदर बाहर लेंगे। अंदर लीजिए, बाहर निकालिए, अंदर लीजिए, बाहर निकालिए, अंदर लीजिए और बाहर निकालिए। हाँ मिसेस हुमा। हेलो, ये गीत, मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, तुमने जवाब ही नहीं दिया और ना ही कॉल बैक किया। हाँ, मुझे आपका मैसेज मिला था और मैंने पढ़ा भी उसे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ में नहीं जाऊँगा। थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा क्योंकि सनम मुंह नहीं देखना चाहती मेरा। गुड, तुमने सब कुछ कर दिया, अब और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब बस उसे छोड़ दो, सुन रहे हो ना, छोड़ दो उसे। ठीक है, मुझे कुछ सुना नहीं दे रहा, हम बाद में बात करते हैं। मुझे तुम भी अब ऐसे देख रहे हो। ठीक है पब्लिक, ये पब्लिक कौन है? तुम्हारे दुश्मन। जी जी, क्या तुम उस काम पर फोकस कर सकते हो? वो जरूर। बोलो मुझे, तुम भी उसे देखो। हेलो बुद, कैसे हो? एकदम अच्छा, तुम कैसे हो, कहाँ हो तुम? अरे ठीक नहीं हूँ, थोड़ा सा अपसेट हूँ। क्या तुम शहर आ सकते हो, बात करनी है तुमसे। देखो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम नहीं आ सकते। ऐसा नहीं कर, तो तुम यहाँ पे आ जाओ ना। यार देखो, सनम और मैं एक दूसरे को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते, क्या करूं अब मैं? ओ ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, सनम ऐसी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। क्या तुम श्योर हो? हाँ मैं हूँ, तुम आ जाओ। ठीक है तो मैं आता हूँ, मिलते। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। नहीं सनम, नहीं। क्या मैंने उसे फ्रिज पर रखा था? ओह पागल मत बनो सनम। सनम, सब लोग गार्डन में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम कुछ ढूंढ रही हो? नहीं, वो ये जगह कितनी अच्छी है ना, और मैं इसे गंदा करना चाहती थी, मुझे लगा ऐसा करना सही होगा। समझ रहा हूँ। हाँ चलो चलते हैं, चलो। वैसे मुझे कोई चीज परेशान कर रही थी, ठीक है, नहीं तो मैं बहुत स्टेबल पर्सन हूँ और मेरी मेमोरी भी बहुत अच्छी है।
लैला देवित, तुम तो म्यूजिशियन हो, मुझे पता ही नहीं था इस बारे में। म्यूजिशियन नहीं, आप थोड़ा ज्यादा चढ़ा रहे हैं मुझे। तब मैं छोटी सी बच्ची थी बस। तो तुमने छोड़ा क्यों उसे? तब मैं इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वहाँ सनेम एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट की तरह थी हमारी फैमिली में, तो मैंने बस इसीलिए छोड़ दिया। मुझे एक बहुत ही अच्छी बड़ी बहन बनना था एक कलाकार की। क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं होता इस बात का? नहीं नहीं, वैसा नहीं है, वो उस वक्त मेरे लिए प्रॉपर नहीं था। जो मेरे लिए सही था वो मैं कर चुकी हूँ। लैला, मुझे तुम्हारे बारे में रोज नई चीज पता चलती है और जानकर खुशी होती है। आई लव यू सो मच। आई लव यू। वैसे टाइम क्या हुआ है? अरे बाप रे, अरे काफी देर हो गई है, चलो चलते हैं, नहीं तो और देर हो जाएगी। चलिए ना। हाँ चलिए चलते हैं। कहाँ है वो? हाँ, हमें सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देखनी होगी जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले। मैंने तुम्हारे लिए डिटेल्स में रिपोर्ट तैयार की है। तुम सही कह रहे हो जेजे, मेरी काम करने की इंस्पिरेशन वापस आ गई है। गुड प्रोडक्ट, गुड एजेंसी, गुड टीम और एक फैंटास्टिक प्रोजेक्ट, ये सब बहुत अच्छा है। चलो हम मिलकर काम करते हैं। पहले ब्रांड नेम के प्रपोजल के बारे में सुनते हैं। मिस्टर जान, मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है इस पे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्रोडक्ट क्ले पर बना है, तो हम बोलेंगे कि क्रीम जो क्ले से बनी हो, क्रीम ऑफ क्ले। बहुत मजाक किया। चलो ठीक है, ये काम और लिखता हूँ मैं। हाँ, ये सुनो, ये जो है ये ब्लैक सी रीजन का है, तो मेरे हिसाब से ये काला होगा। सही कहा ना मैंने? नाइस। सनम, तुम क्या कहती हो? बहुत अच्छा। गॉन स्टारडस्ट, गुड। अच्छा, मदरलैंड? यस एग्जैक्टली। उसे पसंद आया क्या? सनम, तुम ठीक हो ना? कुछ ढूंढ रही हो? हाँ। नहीं जान, ऐसे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मैं अपने हमॉक के पास चली जाती हूँ, वहाँ जाकर कुछ सोचती हूँ, वही अच्छा रहेगा। हम फिर काम करते हैं, ओके? लेकिन सनम, हम लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं और तुम हो। अरे ये सब चलते रहता है, कभी खुशी तो कभी गम, एडजस्ट करना सीखो डेरेन। ओके गाइस, हम एक काम करते हैं, पहले नोट्स बना लेते हैं, फिर देखेंगे। हम लोग हेलिम नाम रखे क्या? मेरे ग्रैंडफादर का नाम था, बहुत अच्छा नाम है। अपने बच्चों का नाम रखना। हाँ, मैंने यही सोचा है। कहाँ गया वो? कहाँ गया? नहीं नहीं, मैं घर पर बोर हो रही थी तो सोचा कि यहीं चली आती हूँ। अच्छा, लीजिए खाइए ना, खाइए खाइए। नहीं, क्या 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 मतलब? मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी वो ग्रैंड चाइल्ड की न्यूज सुनकर, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मिसेज उमा, लगता है आपको इन सब की अभी तक आदत नहीं है। मैं तो अपने ग्रैंड चाइल्ड से कहूंगी कि वो मुझे हुमा ही बुलाए। हाँ, आप ऐसा ही करना। आप अपने नाती पोतों से कहना आपको दादी ना कहे, हुमा कह के ही बुलाए। हाँ हाँ, पर दादी या ग्रैंडमा कितना अजीब। आप ऐसा क्यों कह रही मिसेज उमा? एक खूबसूरत औरत तो अपने पोते के साथ किंडरगार्टन में जा रही हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है? लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको देखकर कहेंगे देखो कितनी यंग और बहुत ज्यादा केयर करने वाली दादी है, यंग दादी, यंग एनर्जी वाली दादी, आपकी तारीफ करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा? यंग तो फिर बच्चों को संभालना आसान नहीं होता है, कभी कभी तो खुद के लिए वक्त नहीं मिलता है, आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, पर इसमें खुशी भी मिलती है और क्या। मेव की बे, अभी हमारा ग्रैंड चाइल्ड नहीं हुआ है। और एक बात, मैंने नोटिस किया कि आपकी शर्ट बहुत ही अच्छी है और दाढ़ी, आपके बाल और सब कुछ बहुत स्टाइलिश है। ये बहुत यंग लगते हैं ना मेव की बे? हाँ लगते हैं। आपके ग्रैंड चाइल्ड भी आपको नाम से ही बुलाएंगे,
निहत। अच्छा लगेगा। थैंक्स, आप ये चेंजेस नोटिस किए आपने, अच्छा लगा, थैंक यू। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी, हमें एक हेल्दी ग्रैंड चाइल्ड मिले, नहीं क्या? वो हमें इस तरह से बुलाए या उस तरह से बुलाए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अभी शॉप में जाना चाहूंगा, आप आराम से खाइए, ठीक है? ला 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 ला। मैव की बे, तुम खुद की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना, जब तुम ग्रैंड मदर बनोगी तब, ठीक है? क्या मैं इतनी बूढ़ी दिखती हूँ, इतनी खराब दिखती हूँ? क्या हम शॉपिंग के लिए चले आज? हाँ चलो, थोड़े पैसे खर्च करते हैं। हाँ चलना चाहिए हमें, ताकि मैं अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद सकूं। मेरे पास बहुत से आइडियाज हैं तुम्हारे लिए। आइडियाज? बताओ मुझे कौन से आइडियाज हैं। तो सबसे पहले हेयर ड्रेसर के पास चलते हैं, हेयर स्टाइल, मेकअप, फैशन। ये ठीक रहेगा। अगर नहीं गए तो मुझ पर फिर से मेहरबान और अजीज का भूत सवार हो जाए। अरे नहीं, उसके लिए माफ कर दीजिए। वैसे कहाँ है ये हेयर ड्रेसर? एजिलेयर में। अरे नहीं नहीं, वो जगह तो बहुत ही महंगी है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, नहीं मुझे नहीं जाना। तो अब हम क्या करें? मैं मेलिहात क्या चली जाऊंगी। ओके तो फिर हम शॉपिंग के लिए चलते हैं, हम उन्हें मेलिहात के पास ले जाएंगे और वो जैसा कहेंगे वैसा ही वो कर देगी। हाँ हर जगह हम साथ में जाएंगे, हर चीज साथ में करेंगे, बहुत ही मजा आएगा, जैसे हम दोनों जुड़वा हो, हर काम करेंगे। सनेम रुक जाओ प्लीज, जस्ट अ सेकंड। हाँ ब्रांड्स के नाम का प्रपोजल्स मेरे दोस्तों, और ये रहा बुलेट का। बढ़िया, दिखाओ। जॉन, जॉन मुझे माफ करना प्लीज। ये टूटा नहीं है, ये कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे कि कोई मैग्नेट, तुम इसे मूव कर सकती हो और इसे सॉल्व कर सकती हो, सुलझा भी सकती हो। मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जे जे, सनम डियर, क्या तुम प्लीज कॉन्सेंट्रेट करोगी? तुम हमेशा मूव करती रहती हो, आती हो जाती हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम अपना इंस्पिरेशन ढूंढ रही हो, ये पागल हो गई है। ये मेरे लिए काफी है, कुछ अच्छा मिले तो मुझे इन्फॉर्म कर लेना, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना। अरे क्या हुआ, अब तुम कहाँ जा रहे हो? ए वाइल्ड मैन, इसका नेचर ऐसा क्यों है? इसे अब पहाड़ियों पर चढ़ाई करने की जरूरत है, और क्या करेगा ये? सनम क्या तुम प्लीज ये नाम चेक कर सकती हो प्लीज? ये लो। मुझे पसंद नहीं आया। क्या कह रही हो, तुम्हें पसंद नहीं आया? अभी 5 मिनट पहले कह रही थी कि तुम्हें वो पसंद है, अब क्या हुआ? क्या हुआ हैमॉक पर जाने के बाद, क्या चेंज हुआ, क्या हुआ वहाँ पर? हम लोग इतना दिल लगा के काम करते हैं और तुम हो के तुम्हें हमारी काम की कोई कदर ही नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा खींचना अच्छा नहीं होगा, वो सनम का ब्रांड है, उसे पसंद ही आएगा। अच्छा हाँ जान, आपने कुछ नहीं कहा इस बारे में, क्या आपके दिमाग में कुछ है? सनम हो सकता है, सनम का मतलब है ब्यूटीफुल वुमन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, बहुत अच्छा हाँ, रहेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो क्रीम का नाम होगा सनम। हाँ तो फिर जान भी हो सकता है, आप तो पार्टनर है इस कंपनी के और आपने काफी सारा पैसा भी दिया है, तो इसका नाम जान भी हो सकता है ना? जान जान हो सकता है। सुनो जी जी, जरा ध्यान दो। चलो सनम में जान आ ही जाता है। ओके तो गाइस ये फाइनल हो गया है, ब्रांड का नाम होगा सनम, इसी बात पर तालियां हो जाए। तो तय हुआ। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुझे भी ये नाम बहुत पसंद आया। अब हमारे पास ब्रांड नेम है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग इसका हैशटैग बनाएंगे, हैशटैग बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, ट्विटर पे पोस्ट करेंगे, मजा आ जाएगा। हाँ, सनम बहुत अच्छा रहेगा। हाँ गुड। हनी, हमारे विलेज के कुछ रूल्स हैं। ओके आपको उसे समझना होगा। अच्छा ठीक है, क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। ओके, मैं गेहूं को इकट्ठा करूंगी और उन्हें खड़े होकर
सूरज की तरफ अच्छा, दिखाऊंगी और फिर नीचे झुक जाऊंगी। हम नीचे झुकेंगे, ठीक है, जमीन की ओर, मिट्टी में फिर से खड़ा होना है। खड़े हो जाएंगे, इसे सूरज की तरफ दिखाओ। मैं सूरज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम सूरज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और फिर इसे वापस वही रखेंगे जहाँ से हमने इसे पाया है। अब आपकी बारी है, करिए करिए। मैंने दूसरे गेहूं लीजिए, ये लो। हाँ, हाथों में पकड़ा है मैंने। हाँ, नीचे की ओर झुकना। हाँ, बिल्कुल। अब फिर वापस आना हाँ, है और फिर से सूरज का शुक्रिया अदा कीजिए। थोड़ा जोर से नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, करिए। ओके, मैं आपका शुक्रिया कहता हूँ सूरज, मैं आपका शुक्रिया। और नीचे हाथ फिर से। क्या मैं इसे अपने दोनों हाथों में पकड़ सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा ठीक, करिए, बिल्कुल करिए। अब मैं इसे नीचे की ओर रखता हूँ और फिर से ये क्या है मिस्टर रजी, सर आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे विलेज की परंपरा, मैंने सूरज को नमन किया, उसका शुक्रिया अदा किया, पूरे धरती माँ का शुक्रिया अदा किया और फिर क्या हुआ? मैं इसे कर तो रहा हूँ। हनी, आपने कोई गलती नहीं की है, आपने तो बहुत अच्छे से किया है। करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। करते रहिए, गलत कर रही हैं आप सच में। मिस्टर रसीज, अच्छा, मुझे ये कहना है, एक मिनट सुनिए मेरी बात। ये हमारे गांव की परंपरा है और ये परंपरा काफी समय से चली आ रही है। वो ये है कि जो कोई भी पहली बार खेतों में आता है, हम उसका मजाक बनाते हैं। आप नाराज तो नहीं हुए ना? ओ, ये कितना बोलती है ना? माय डार्लिंग, मैं उस हर चीज को नमन करूंगा अगर तुम चाहती हो, वो क्लाउड्स, ये पहाड़। हाँ, बस यही। हाँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन क्या? मैं तुम्हारे जैसे कपड़े चाहता हूँ। मैं मेरे कपड़ों में काम नहीं कर सकता। हाँ, सही है, मैं इनमें काम नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे जैसे कपड़े चाहिए ताकि इनमें कंफर्टेबल। आपको ये चाहिए? ओ हनी, हम ये जल्द से जल्द कर लेंगे। हम चलते हैं और आपके लिए प्रॉपर कपड़े ले आते हैं। चलो आज ही चलते हैं। हाँ आज ही, और हमें सन क्रीम भी लेनी है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्म है। मेरी स्किन भी तो देखो कितनी लाल हो गई है। डेनिस, क्या तुम्हारे पास सनेम के स्पेयर मार्क्स हैं? उसे कैरी किया करो। हाँ, हमारे पास है ना, दरअसल वो घर पर रखे हुए हैं। मैं आपके लिए ले आऊंगी, घर साफ करने जाऊंगी तब आपके लिए ले आऊंगी। आप जाइए, मैं बाद में ले आऊंगी। कितना ब्यूटीफुल नेकलेस है, रेयर पीस है। काश मेरे पास ऐसा एक होता। पहले कॉफी पियो। गाइस, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ, ठीक है? जरूर। जरा देखो तो, इनके पास प्रॉपर कपड़े हैं, काम करना बढ़िया है, लेकिन अपने पास सही कपड़े हो तो मैं मिट्टी से भर गया हूँ। हमें हमेशा साथ रहना चाहिए, ऐसे ही हमें अपने लिए ये सब करना चाहिए। ये सब आप पर सूट करेगा? इन्हें सूट करेगा। एक्चुअली कैप्टन अजीज से गाँव वाले बनने वाले, प्यार के लिए। जैसे तुम समंदर को छोड़कर गाँव में बस गए अपने प्यार के लिए। हाँ? जाने दो, शहर जाने वाले शॉपिंग के लिए तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? नहीं थैंक्स, मुझे बदलना ही होगा। हमारा प्लानिंग है एमरी को विजिट देना और मैं उसका नया ऑफिस भी देखना चाहता हूँ। वेरी नाइस डैड, मेरी एमरी से बात हुई थी और कहा था कि हम उसके लिए नई जॉब का बंदोबस्त करेंगे। उसने तो मना कर दिया पर मुझे उसकी बहुत फिक्र लगी रहती है डैड। ठीक है, चिंता मत करो, मैं उसका पापा हूँ। तुम जाओ और खुद की चिंता करो, तुम्हारे लिए बहुत सारे काम है। वैसे हम यहाँ बहुत खुश हैं मिसेस मेहरबान, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम जॉन, मुझे थैंक यू कहना है, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। मैंने अपने लिए एक ले लिया है, आपको चाहिए? नहीं थैंक्स, थैंक यू सो मच। और कैसे हो बेटा, कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है डैड। गुड। और तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन, और तुमने उन पैसों का क्या किया जो बोट बेचने के बाद मिले थे? क्या सारे पैसे कंपनी में लगे? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपीराइट का जो पेमेंट होगा फोटोग्राफी के लिए वो मिलने काफी है। हाँ, इस बार मैं अब्रॉड जाकर फिर से फोटोज लेने वाला हूँ, लेकिन इस बार अकेले नहीं। फोटोग्राफी के लिए मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ और मेरे पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है। आप टेंशन मत लो प्लीज। मैं ये बोल जाता हूँ कि तुम एक फेमस फोटोग्राफर हो। मेरे स्किल्स काफी अच्छे हैं। हाँ, तुम मुझे दुनिया घुमाने अपने साथ ले जाना चाहते हो? एब्सोल्युटली। अच्छा, तो अब हम लोगों को डिजाइन भी डिसाइड करना है। हाँ लोगो,
लोगो। मिस्टर मुजफ्फर, तुम यहाँ नए हो, पहले देखो और फिर सीखने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे करोगे। सनम, तुम क्या कर रही हो? वो कहना चाहती है कि तुम बस देखो और सीखो। देखो, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और इसलिए काम को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मिस डेरिन, ये कलर्स थोड़े पेल हैं, क्या हम ग्रीन ट्राई कर सकते हैं? ग्रीन ट्राई करें, क्या कहना है आपका? आप मुझे बताइए, तुम क्या कर रही हो? सनम डियर, हम मीटिंग करने जा रहे हैं, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगी? आप कीजिए, मैं बाद में ज्वाइन हो जाऊंगी। डेनिस, ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा। सुनो, तुमने यहाँ कुछ देखा है? क्या देखना था? कुछ जमीन पे गिरा हुआ। जमीन पर क्या गिरा हुआ? कुछ मेरा सामान। कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तुम जा सकती हो, जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ, बाय। मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। वो नेकलेस कहाँ है? पर्पल जी, जी मुझे तुम पर दया आती है। इतने साल हो गए लेकिन तुमने कुछ नहीं सीखा। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाने की कोशिश करती रही। अरे चोर, ये क्या नाम था इसका? बैंडिट, यहाँ आओ। अरे रुको, क्या कर रहे हो तुम? चलो, कोई तो डेरिन को परेशान करने वाला मिला। अभी सबक सिखाती हूँ। हेलो, वेलकम। बहुत अच्छे। आई एम सॉरी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे लेना होगा। हाँ बोलिए डैड। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम तुम्हें देखना चाहते थे मेहरबान के साथ में, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे भी खुशी होगी। हम लोग मिलते हैं। डैड, मैं अभी कस्टमर्स को अटेंड कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। एमरे, मुझे खुशी होगी कि आप अपने पर्सनल कॉल कस्टमर के सामने ना उठाओ, तो थोड़ा कस्टमर पे भी ध्यान दो। ओके सो गाइस, चलो सबसे पहले कुछ ब्राइट आइडियाज बाहर लाते हैं। चलो तो फटाफट एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ बताओ। सनम, तुम्हारा क्या कहना है? उसके लिए हमारा बजट नहीं है। हमारे पास है। देखो, हमारे पास नहीं है, जितना भी था हमने वो सारा का सारा प्रोडक्शन में दे दिया है। हाँ मिस्टर जान, क्या तुमने ये बजट बनाया? तुम्हारा एक्चुअल करियर क्या है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बजट कोई नहीं है। तो फिर इसे सिंपल और डिसेंट कमर्शियल बनाते हैं। हम लोग यहाँ शूट कर लेंगे नेचर में, और हमारे पास जो कुछ भी है वो इस्तेमाल करेंगे, यही सही रहेगा मेरे हिसाब से। ये तो बहुत ही बढ़िया होगा, जरा सोचो, बहुत ही सही आइडिया है। अ वुमन इन नेचर, अमेज़न के घने जंगलों से निकल कर आती है एक वुमन हीरो। ये एड बहुत ही हिट होगी। अगर नहीं हुई तो मेरा नाम बदल देना। जेजे सुन रहे हो? हाँ, ये ऐसे हो सकता है। ये सुपर हीरो शहर के ऊपर से उड़ती है, हम देखते हैं वहाँ लोगों के चेहरों पर पिंपल के दाग हैं, वो उन्हें क्रीम देगी और ऊपर से उड़ जाएगी, और लोगों की नजरें उस क्रीम पर ही टिकी रहेगी। है ना कमाल का आइडिया? मैं तुम्हारा मोटिवेशन खराब नहीं करना चाहता जेजे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उड़ रहे हो, तो और ज्यादा मत सोचो प्लीज। सनम, तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं ढूंढ रही। वैसे मैंने खोया ही क्या है, और मुझे पाना भी क्या है, और मुझे क्या ही फाइंड करना है? आपको तो सब कुछ पता है, मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है। मैं बस अपने कमर्शियल पर फोकस कर रही हूँ और काम कर रही हूँ। नहीं नहीं, ये बैग हैंडमेड है, छोड़ो उसे, छोड़ो, मैं कह रही हूँ। अरे कीचड़ में नहीं, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही डॉग हो जिसे मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी डेनिस से, मैं वैसा ही करूँगी। मेरा दिमाग खराब हो गया है, अब मुझे फिर से इस गंदी कीचड़ में जाना होगा। हर बार मैं इस कीचड़ में आकर अटक जाती हूँ। ठीक है, यही एंड है इस प्रोजेक्ट के। बाद मैं शहर जाने वाली हूँ। मैं सच में ट्रैफिक जैम्स को मिस कर रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे कितना सलाइवा है इसमें, सलाइवा और साथ साथ इतना सारा कीचड़। अरे मेरे बाल, मुझे नहीं पता अब इसे कहाँ लेकर जाऊं। हाँ।
हाँ, तुम्हारे आइडियाज क्या है सनम? मेरा ये कहना है कि एक नेचुरल, ज्यादा स्टैंडर्ड भी नहीं, पावरफुल, ब्यूटीफुल और एक स्पेशल वुमन हीरो। सच कह रहा हूँ मैं, ये आइडिया सुनकर ना मेरे अंदर भी मैं एक अलग सी ताकत महसूस कर रहा हूँ। न जाने कब से मैं इस कीचड़ से स्ट्रगल कर रही हूँ, क्या कोई मुझसे ये कह सकता है, क्योंकि मैं इससे बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। क्या तुम हंस रहे हो बुलुत? हाँ, तुम मुझ पर हंस रहे हो? तुम किलियो पेट्रो जैसी हो, कोई भी हंसेगा तुम पे। हाँ मत बात, वो ऐसा करती थी, ये उसकी एक और पहचान थी। क्लियोपेट्रा, हाँ वो एक काफी पावरफुल वुमन हीरो है। वो फ्ले मास्क बनाती है, मर्ड बात लेती है, काफी शक्तिशाली है, होशियार है और स्पेशल है। खूबसूरत थी वो। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, सिर्फ एक औरत ही नहीं, एक ऐतिहासिक कैरेक्टर, चार्मिंग और चैलेंजिंग, सबसे शक्तिशाली, ओफ, दुनिया की क्लियोपेट्रा। आपको कमर्शियल में हिस्सा लेना चाहिए। हाँ डरन, एक्चुअली सनम सही है, मुझे भी यही लगता है कि तुम सच में क्लियोपेट्रा जैसी लग रही हो। और इसके अलावा हमारे पास कोई बजट नहीं है, तुम्हें ऐसा करना होगा। आ, बहुत हुआ, नहीं कभी नहीं, मुझे कैमरा फोबिया है। हम गांव से किसी लड़की को उठा लेंगे और उसके सर पर विग डाल देंगे, यही बेहतर होगा, क्योंकि मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं ये सब कैसे करूँगी। डरन प्लीज यार, मना मत करो, उसे कंसिडर करो। और क्यों ना हम अभी लंच ब्रेक ले लें, हम एक घंटे के बाद मिलते हैं। चलो सब फ्रेश हो जाओ, इसके बारे में बाद में सोचो। क्यों? वो क्लियोपेट्रा वाला आइडिया काफी ब्राइट है। मेरे चेहरे में क्या बुराई है? दिमाग की तरह चेहरे पर भी कीचड़ लगा है तुम्हारे। एवरे में मीटिंग में हूँ। ठीक है, मैंने सोचा कि हम दोनों कहीं साथ में लंच पे चलते हैं। हाउ स्वीट ऑफ यू, पर फिलहाल मैं बात नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, बाय। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ जरूर बेटा। देखिए दरअसल मैं ये बुके मेरी वाइफ को देना चाहता था, पर वो आई नहीं, तो आप रख सकती हैं? थैंक यू बेटा। जब से मैंने अपने पति को खो दिया है, तब से मुझे किसी ने फूल नहीं दिए। तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं बेटा, जिंदगी बहुत छोटी है, उसे एंजॉय करो, अपनी बीवी के साथ अच्छे से जियो, किसी भी चीज को कभी पोस्टपोन मत करना बेटा, ठीक है? थैंक यू सो मच। कहाँ है वो? वो नेकलेस सच में खो गया है। ब्रावो, तुम उसे ठीक से नहीं रख पाई। अब क्या करूं? वो कहीं गिर गया होगा, मुझे सोचना होगा, कोई ना कोई सलूशन तो निकल आएगा। बहुत बुरा है, जान से मिली हुई बस एक ही चीज थी वो वेडिंग रिंग, और अब तो वो भी चली गई है। तुम बकवास बंद करो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम मेरी इनर वॉइस से ज्यादा बात मत करो, सबसे पहले मुझे वो नेकलेस ढूंढना होगा। जैसे तुम चाहो, समंदर की ओर देखो, तुम यहाँ हर वक्त आती रहती हो, वो जरूर वहाँ गिरा होगा, ऐसा कहती हो क्या? अब मैं नीचे कूद जाती हूँ। उफ, वो यहाँ भी नहीं है। हेलो हेलो, मैं समंदर देख रही थी। जो तुम्हें जमीन पर नहीं मिला, क्या तुम उसे समंदर में ढूंढने आई हो? क्या मतलब है आपका? सनम, मैं जानता हूँ कि तुम सुबह से कुछ ढूंढ रही हो, और वो चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो जल्दी बता दो ना, ताकि मैं भी हेल्प कर सकूं। मैं उस साल को ढूंढ रही हूँ जो कहीं खो गया था। क्या
क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे? थैंक यू सो मच। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। देखो, वो मेरी जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल चीज है। मुझे वो नेकलेस वापस दो या फिर मैं ये हड्डी खा जाऊंगी। गुड, तुम होशियार हो। क्या मैं इसे खाऊं? खाऊं इसे? तुम बताओ, क्या तुम उस वेडिंग रिंग को रखना चाहते हो जो मुझे मेरे लवर ने दी थी? तो तुम्हारे लिए इस बोन्स से ज्यादा वैल्यूएबल वो वेडिंग रिंग है। बहुत बढ़िया। तुम बताओ, तुम चाहो तो मैं ढेर सारे बोन्स ला सकती हूँ। मैं तुम्हें लाके दूंगी। तुम्हें चाहिए? देखो, अगर तुमने मुझे वो नेकलेस नहीं दिया ना, तो मैं ये सारे बोन्स गैदर कर लूंगी और खुद खा लूंगी। तुम सोचो अब तुम्हें क्या करना है, वरना सनम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ओके? बहुत बुरा, बहुत बुरा। ये सब आखिर क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर वो कहती है कि मुझे कॉल बैक करो। सुनो जिदे यार, ये कॉल बैक क्या होता है, मुझे समझाओ ना। मैंने कुछ दिन पहले ये नया वर्ड सुना है। वो मुझसे पूछती है कि हम कब ई-स्पोर्ट कमर्शियल बनाने वाले हैं। मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स, यार मैं परेशान हो गया हूँ। मन करता है कि मैं संन्यास लेकर किसी पहाड़ पे जाके रहने लगूं। क्या है ये? क्या कहा? क्या तुम रिजाइन कर रहे हो? ओ मोजो, इतनी जल्दी गिव अप मत करो। देखो, मैं रिजाइन देना तो नहीं चाहता, पर यहाँ करने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं बस यहाँ अटैच्ड हूँ, बस यही बात है। मैं हमेशा खुद से पूछता हूँ कि यहाँ रहने का आखिर मोटिवेशन क्या है। तुम चाहो तो किसी से अटैच हो सकते हो। मैं ये सवाल रोज खुद से पूछता हूँ, तुमसे नहीं पूछा मैंने। तुम क्यों जवाब दे रही हो? तुम मेरी मम्मी बनने की कोशिश मत करो। तुम हमेशा मुझे ही क्यों गलत समझते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है या खुद से है? खुद को भी कभी क्रिटिसाइज किया करो, समझे? इस बारे में कभी सोचा है? मैं ऐसा नहीं था, बहुत शांत इंसान था मैं। जी जी सुनो। हाँ। वो डॉग से बात करती है। कौन बात करती है? कौन? मैं सनम की बात कर रही हूँ। क्या बोल रही है? सनम? सनम सच में क्या वो डॉग से बात करती है? वैसे तो हमसे कभी बात नहीं करती, वो जान से भी दूर है, उसे डॉग से बात करनी पड़ रही है। क्या मजबूरी है उसकी? अरे तो अब हम क्या करें? हम और कर भी क्या सकते हैं, है ना मिस्टर एरन? क्या करें आखिर? अगर वो मुझसे बात करने आती तो मैं उससे घंटों बात करता, लेकिन उसने मेरी जगह किसी डॉग को चुना है, तो वो डॉग से ही बात करे। अब क्या होगा? वो कर सकती है, कर सकती है, वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि क्योंकि उसकी फ्रेंड मिस डेरेन ने उसे प्रोजेक्ट के साथ अकेला छोड़ दिया है। वहाँ कोई बजट नहीं है और मिस डेरेन ने कमर्शियल में शामिल होने से इनकार कर दिया है, इसलिए अब वो कुत्तों से बात कर सकती है। वो बहुत लोनली फील करती है। मिस डेरेन, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। हाँ, ये सब आपकी वजह से हो रहा है मिस डेरेन। आप एक परफेक्ट क्लियोपैट्रा बन सकती हैं। आप टैलेंटेड हैं, अट्रैक्टिव हैं, आप एक नेचुरल बॉर्न क्लियोपैट्रा हैं, आप एक क्रेजी वुमन हैं, आप ऐसा कर सकती हैं, कर सकती हैं आप, और मुझे पूरा यकीन है। हाँ कह दीजिए, कम से कम एक बार तो किसी और की बात मान लीजिए। मुझे इतना नाराज है कि वो जॉब छोड़ना चाहता है। ये सच कह रही है मिस डेरेन। सनम के लिए स्क्रीन पर तहलका मचा दोगी तुम। वाह ठीक है, ठीक है। क्या तुम देख सकते हो प्लीज? मैं बाद में कॉल बैक करता हूँ। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। हेलो डैड, कैसे हैं? थैंक यू माय डियर सर, मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये जगह अच्छी लगी? हाँ बहुत अच्छी है ये जगह, सच में बिल्कुल जन्नत है। एग्जैक्टली, पर हमारे ऊपर कुछ नहीं डिपेंड करता है। तुम क्या सोचते हो, यही इम्पोर्टेंट है क्या? मैं ठीक हूँ, मैनेज कर लेता हूँ। चलिए आपको पूरा शोरूम दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। अच्छा हुआ कि आप लोग आए। हाँ, मैं इस ब्लैक कार के बारे में पूछना चाहूंगी, क्या हम इसकी एक टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं? हाँ जरूर, जब आपका मन करे आप कर सकते हैं। क्या हो रहा है बेटा? उन्हें यहाँ विजिटर्स का आना पसंद नहीं है डैड, समझिए। हाँ? हाँ?
सुनो बेटा, अगर तुम्हें यहाँ परेशानी हो रही है, तुम एजेंसी में वापस आ सकते हो। हमने काम शुरू कर दिया है, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और हमें नॉलेज और एक्सपीरियंस वाले ये लोगों की जरूरत है। मैं भी तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। थैंक यू डैड, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद मेहनत करके अपना ध्यान रखना चाहता हूँ। और तो और, मुझ पर लैला की भी जिम्मेदारी है अब। वो सही कह रहा है, वो जानता है उसे क्या करना है। ठीक है ठीक है, लेकिन तुम जब चाहो तब वापस आ सकते हो, जब चाहे तब। अपनी कंपनी है। थैंक यू सो मच डैड। ये काफी अच्छी कार है यार। चलो चलते हैं, मैं नहीं चाहती हमारी वजह से इसे पहले ही हफ्ते में निकाल दे। और ये जो सेल, ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, ये जो पीछे रेड कार है उसकी स्पीड क्या है? मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि ये मेरे पति को फास्ट कार बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये सब पूछ रही थी, और कोई बात नहीं। इसकी टॉप स्पीड 280 है। सच में? आप क्या कहोगे हनी? मुझे और फास्ट चाहिए, ये मेरे लिए काफी नहीं है इसलिए। आज हम एक गैलरी से दूसरी गैलरी के लिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। अच्छा सुनिए, संभल कर ड्राइव करिएगा और पेडेस्ट्रियन पर केयरफुल रहिए। थैंक यू, हम जरूर संभल के जाएंगे। हैव अ नाइस डे। कितना अच्छा है। और काफी हैंडसम भी है। कितने अच्छे कपल थे, नहीं? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा ही है सब। जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। ओके, तो दोस्तों पहले इस चीज की मैं अगेंस्ट थी, पर अब मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहूंगी। मुझे क्लियोपेट्रा का रोल कबूल है। क्या बात है। क्या बात है, मजा आ गया, एकदम सुपर कास्टिंग हुई है। बहुत अच्छे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अभी के अभी स्टार्ट करना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन तू अपना इरादा बहुत ही जल्दी बदल देती हो, तुमने गिव अप कर दिया तो? सुनो मिस्टर, मैं क्लियोपेट्रा हूँ। मैं वो रानी हूँ जो एग्जाइल में थी, लेकिन वो अपने पैलेस में शान से वापस आई थी। मैं वो शानदार रानी हूँ जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल थी। मैं वो हूँ जिसके पीछे सीजर प्यार में पागल हो गया था। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। क्या मैं तुमसे लेसन्स लूँ? जैसा तुम चाहो क्वीन। कहाँ जा रहा है वो? तुमने तो उसे जाने के लिए कहा। मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, जाने दो। ओके, मैं जाकर एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ। जी जी। हाँ मेरी क्लियोपेट्रा। तुम प्रिंटिंग हाउस जाओ मुजफ्फर के साथ, और जल्दी आना, क्योंकि हम जंगल के बीचों बीच हैं और हम जंगल में लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अगर तुम अभी गए तो शाम तक लौट के आ सकते हो, इसलिए अब जाओ और मैं सब फाइल्स मेल कर दूंगी। Okay. मैं जैसा कह रही हूँ अब वैसा ही करो, ठीक है? जैसा आप कहो रानी साहिबा। तो फिर ठीक है क्लियोपेट्रा, मैं उसके लिए कुछ कमीशन सही कहा। तुम दोनों नहीं नहीं, तुम दोनों सुनो मेरी बात। तुम दोनों जाते वक्त यहाँ आसपास देखते जाना, ओके? और यहाँ कोई अगर नेकलेस पड़ा हुआ होगा तो वो मेरा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, प्लीज मुझे बताना। किस तरह का नेकलेस है, वो नेकलेस कैसा है? क्यों, तुम ज्वेलर हो, तुम्हें जाते जाते हजार नेकलेस मिलने वाले हैं। अगर तुम्हें कोई नेकलेस मिल भी जाता है तो वो सिर्फ मेरा ही होगा। बहुत सिंपल सी बात है, मुझे कॉल कर देना, मैं वहाँ आ जाऊंगी, और वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा नेकलेस है, ओके, और वो घूम गया है ना? सही है, मैं ऊपर ही बात कर रही हूँ। ढूंढते डार्लिंग। लैला कैसी हो तुम? आज का मेरा दिन बहुत बुरा था, तुम्हारी याद आ रही है बहुत। इमरे डार्लिंग, क्या मैं बाद में कॉल करूं? मैं एक मीटिंग में जा रही हूं, वक्त मिलते ही कॉल करती हूं आपको। लंच पे भी हमारी बात नहीं हुई। मैं जानती हूं डार्लिंग, लेकिन यहां लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं आपकी बातें रात में सुनूंगी, ओके? आप चिंता मत करिए, मैं आपको कॉल करती हूं बाद में। ठीक है।